नमस्कार साथियों, मैं निशीत मिश्रा स्वागत करता हूं आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं RO ARO एग्ज़ाम 2023 की, जो कि आने वाला है, और उस एग्ज़ाम के बारे में हम सारी महत्वपूर्ण चीज़ों की चर्चा करेंगे, जैसे इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होता है, योग्यता क्या होती है, समीक्षा अधिकारी कितने तरीके का होता है, और इसकी स्मार्ट तैयारी को किस तरीके से किया जा सकता है। आज हम इस पूरे टॉपिक की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, इसके सब्सक्राइबर बहुत कम है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, आप इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, ठीक है। तो हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, हम अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए लेकर के आते हैं, तो इसका थोड़ा सपोर्ट करिए साथियों, ठीक है। यार ऐसा बोलना पड़ता है क्योंकि सब्सक्राइबर इसके कम है, ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट करो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम है, करवाता कौन है, तो देखो ऊपर लिखा हुआ है UPSC, यानी इस एग्ज़ाम को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करवाता है। लोक सेवा आयोग, जिसे हम बोलते हैं UPSC, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्ज़ाम को करवाता है। मैं स्पष्ट कर दूं कि जो ये जो पेपर है साथियों RO ARO का, ये 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है, ये 4800 ग्रेड पे की वैकेंसी है। हालांकि अब लेवल में आती है, तो शायद मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है कि शायद लेवल 7 या लेवल 8 में ये शायद काउंट होती है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लेना। फिलहाल 4800 ग्रेड पे मैं तो ये है ही 100% इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बता दूँ कि जो RO ARO होता है, जो RO है ना, ध्यान रखना, जो RO है, मैं RO की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ARO जो होता है उसका ग्रेड पे 4600 है, ठीक है। ARO का ये जो RO होता है साथियों, ये एक राजपत्रित अधिकारी होता है, ध्यान रखना, ये एक राजपत्रित अधिकारी है, यानी एक गैजेटेड अफसर है, तो बहुत ही शानदार नौकरी है RO ARO की, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और अब हम देखेंगे ऑफिशियली इसका सारी चीज़ें क्या है, सरकार इस बारे में क्या कहती है, आयोग इस बारे में क्या कहता है। तो आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये देखिए 2021 का जो है ये RO ARO का नोटिफिकेशन है, इससे हम अपने काम की चीज़ें निकालेंगे। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर आप ये देखो कि RO ARO जो होते हैं, है ना, ये कौन कौन से डिपार्टमेंट में होते हैं, तो देख लो आप, इतने सारे डिपार्टमेंट में ये आपको RO ARO मिलते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, उत्तर प्रदेश सचिवालय में भी होता है, लोक सेवा आयोग में भी होता है, राजस्व परिषद में भी होता है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में भी होता है, ठीक है ना। इसके अलावा RO जो है लेखा भी होता है, हिंदी में भी होता है, उर्दू में भी होता है, इनके लिए विशेष योग्यता आती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सचिवालय में ARO भी होते हैं, लेखा के भी होते हैं, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये आप देख लीजिए, इतने सारे, ठीक है, लोक सेवा आयोग में, सचिवालय में, राजस्व परिषद में, इन सभी डिपार्टमेंट में 12-13 डिपार्टमेंट है, आप देख सकते हैं 13 डिपार्टमेंट है, इन सभी डिपार्टमेंट्स में आपको समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि जब आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप किस डिपार्टमेंट में जाओगे, ठीक है। तो ये आपने देख लिया, यहाँ पर 12-13 हैं, तो पहला तो यही है हमारे पास। इसके अलावा देख लो इसका, ये देखिए आ गया वेतनमान जो है इसका, काफ़ी बढ़िया है। अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो सैलरी बहुत बढ़िया है। मूल वेतन देखिए कितना है, मूल वेतन है 44,900 से 142,400 तक, लेवल 7 से 47,600 से 15,100, लेवल 8 तक के वेतनमान, यानी लेवल 7 और लेवल 8 दोनों ही इसमें आएंगे, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी लेवल 7 हो गया ARO का और लेवल 8 हो गया RO का, ठीक है ना। ARO की सैलरी 44,900 से 142,400 और RO की सैलरी 47,600 से 151,010 तक, ये आपका रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी सैलरी की बात, आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर योग्यता क्या है, योग्यता क्या मांगता है, ठीक। तो योग्यता सीधे सीधे निकाल लेते हैं हम, देखो ये रही योग्यता क्या है, ठीक। देखिए जो सामान्य योग्यता है, जो यहाँ पर जो लिखी है, ये विशेष योग्यता है। अगर मैं सामान्य योग्यता की बात करूं तो देखो सामान्य योग्यता क्या है इसकी, सामान्य योग्यता बहुत ही आसान है। सामान्य योग्यता मैं आपको ऐसे बता देता हूं, देखिए सामान्य योग्यता क्या है, सामान्य योग्यता है, देखिए लिखा हुआ है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष योग्यता, बस। यानी अगर आप केवल BA हैं, BSc हैं, BCom है, BTech है, यानी स्नातक स्तर की कोई भी आपकी डिग्री है, तो आप RO बनने के लिए पूरी तरह से योग्य हैं,
ठीक है। अगर आपको एआरओ बनना है तो फिर स्नातक की डिग्री के साथ साथ आपको उसमें ओ लेवल भी चाहिए होता है प्लस टाइपिंग, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और जो विशेष चीज़ें होती हैं जैसे लेखा, अब समीक्षा अधिकारी एक तो सामान्य होता है, एक लेखा का होता है, तो जो लेखा का समीक्षा अधिकारी होगा उसमें क्या क्या चाहिए कि किसी स्थापित विश्वविद्यालय से लेखा कर्म के साथ वाणिज्य में स्नातक की उपाधि, यानी अगर आपको आरओ लेखा बनना है तो फिर आपको वाणिज्य में स्नातक की उपाधि चाहिए, यानी बीकॉम चाहिए होगा, प्लस ओ लेवल तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, प्लस हिंदी का ज्ञान। हिंदी में अगर आपको समीक्षा अधिकारी बनना है तो फिर हिंदी साहित्य या संस्कृत साहित्य में एक विषय के साथ स्नातक की डिग्री, यानी हिंदी में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। समीक्षा अधिकारी उर्दू बनना है तो भैया अरबी साहित्य या फिर पर्शियन साहित्य या उर्दू साहित्य में से किसी एक विषय के साथ स्नातक की उपाधि आपकी होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये है आपका, ठीक है, ऐसी सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है, तो आप देख लो इसमें ये जो है ना यहाँ पर, ये जो है विशेष योग्यता वाले हैं, ठीक है, थीके? वरना अगर आप नॉर्मल हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नॉर्मल अगर आप हैं तो बस स्नातक से ही काम आपका चल जाएगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं साहब, एज कितनी चाहिए अगर कोई व्यक्ति समीक्षा अधिकारी बनना चाहता है तो एज कितनी चाहिए, तो नॉर्मल जो एज है वो होनी चाहिए 21 साल से लेकर 40 साल तक, 21 से 40 में अगर आप हैं तो आप बिल्कुल आरओ बनने के लिए, एआरओ बनने के लिए योग्य हैं। अगर आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ठीक है, या फिर फ्रीडम फाइटर के आप जो है संतान हैं, तो फिर ऐसे में जो है आपको छूट भी मिलती है, वो सब जो है इसमें है, वो अभी हमारे काम की इतनी चीज़ नहीं है, ठीक है, ये हमने देख लिया योग्यता। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं भैया इसका सिलेबस, ठीक है, आगे हम देखते हैं इसका सिलेबस। पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो परीक्षा है, ठीक है, ये जो परीक्षा है ये दो चरणों में होती है, प्री और मेंस, यानी प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, ठीक है। तो पहले हम प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम की बात यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, परीक्षा योजना तथा प्रारंभिक परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम, पहला जो पेपर होगा वो होगा सामान्य अध्ययन का, सामान्य अध्ययन का मतलब हो गया जीएस, पहला पेपर साथियों जीएस का होगा, कैसा होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या हुआ साथियों, वस्तुनिष्ठ का मतलब हो गया कि एमसीक्यू टाइप होगा, एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे, एक सवाल पूछा जाएगा, चार ऑप्शन होंगे, उनमें से आपको जो है जवाब देना है, ठीक। प्रश्न कितने आएंगे साथियों, प्रश्न आएंगे 140 प्रश्न आएंगे, और नंबर कितने होंगे, तो नंबर भी कितने होंगे, 140 ही नंबर यहाँ पर होने वाले हैं। क्या क्या, अच्छा समय कितना रहेगा, तो समय रहेगा साथियों 2 घंटे। क्या क्या चीज़ आएगी, सामान्य विज्ञान आएगा यानी जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस जब हम कहते हैं ना, तो देखिए जनरल साइंस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा पढ़ा लिखा अभ्यर्थी जो स्नातक पास है, उसे जो सामान्य विज्ञान की चीज़ें हैं, यानी कम से कम हाई स्कूल स्तर तक का साइंस उसे पता होना चाहिए, हाई स्कूल स्तर तक की फिजिक्स, हाई स्कूल स्तर तक की केमिस्ट्री, हाई स्कूल स्तर तक की बायोलॉजी, उसे बेसिक जो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास होती हैं वो उसे पता होनी चाहिए, ठीक है। भारत का इतिहास, इतिहास से देखिए काफ़ी बढ़िया सवाल आते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन, देखो इतिहास तो अपने आप में है ही, लेकिन राष्ट्रीय आंदोलन स्पेशल दिया हुआ है ना, यानी 1905 से लेकर के 1947 तक का, या फिर हम कहें गांधी युग का जो समय है वो आपको बहुत अच्छे से पढ़ करके जाना है। 140 सवाल जीएस के होने का मतलब है कि मान के चलिए इतिहास के कम से कम 20 सवाल आएंगे, ठीक है, 20 में से मान के चलिए कम से कम 10 सवाल अकेले मॉडर्न इंडिया से ही आएंगे, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा राजव्यवस्था भी है, अर्थव्यवस्था भी है, ठीक है, भारतीय कृषि भी यहाँ पर पूछ रहा है, वाणिज्य एवं व्यापार है, जनसंख्या है, जनसंख्या जो है अभी चल रही है, ठीक है, तो जनसंख्या के जो लेटेस्ट डेटा है वो आपसे पेपर में पूछा जाएगा। पर्यावरण एवं नगरीकरण, लेकिन केवल भारत के संदर्भ में, ठीक है ना। हाँ, इसके अलावा विश्व का भूगोल तथा भारत का भूगोल, देखिए अब तक ऐसा ट्रेंड था और ट्रेंड है, था क्या, अभी भी चल रहा है कि आरओ यारओ परीक्षा में भूगोल के बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं साथियों, तो अगर आप भारत का या विश्व का भूगोल जितना अच्छे से तैयार कर लोगे तो ये मान के चलिए कि आपके पेपर में सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि भूगोल से जीएस में बहुत सवाल आते हैं, करीब कभी कभार तो 25 से लेकर 30 तक आ जाते हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा ये दिया हुआ है आपकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटना यानी करंट अफेयर, तो करंट अफेयर भी खूब अच्छे से पेपर में पूछा जाता है। इसके अलावा 10 से 15 सवाल बौद्धिक क्षमता यानी रीजनिंग के आ जाते हैं, और आगे हम देखें तो आगे आप इसमें देख पाएंगे, आगे है इसमें
यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल के भी बढ़िया सवाल आते हैं, शिक्षा से, संस्कृति से, है ना, उद्योग से, व्यापार से, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के बारे में, ये जो है सवाल यहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा जीएस का सिलेबस। इसके जो सवाल है वो है 140 और समय मिलेगा इसके लिए आपको पूरे 2 घंटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है देखिए, जो उसी दिन भाई पहला पेपर आपका जीएस का हो जाएगा और दूसरा जो पेपर होगा आपका उसी दिन वो होगा हिंदी का। ठीक है ना, हिंदी का। हिंदी की अगर हम बात करेंगे साथियों, तो हिंदी का जो पेपर होगा इसको भी आप देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ। चलिए, हिंदी का जो पेपर होगा साथियों, हिंदी का जो पेपर होगा ये 1 घंटे का होगा। इसमें पहली चीज़ तो आपको यही याद रखनी है, ठीक है। जो पहली चीज़ आपको याद रखनी है वो क्या कि समय इसके लिए 1 घंटा मिलेगा। सवाल कितने होंगे, तो प्रश्न होंगे साथियों 60 और नंबर भी कितने होंगे 60। ठीक है, जीएस 140 नंबर की, हिंदी 60 नंबर की। उसमें सीधे सीधे सिलेबस में दिया हुआ है, आपको याद रखना है, डायरेक्ट कोई लाग लपेट नहीं है। 10 नंबर का सीधे सीधे विलोम आएगा, 10 नंबर का वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, 10 नंबर के वाक्यांश के लिए एक शब्द, 10 नंबर के तत्सम तद्भव, 10 नंबर के विशेषण विशेष और 10 नंबर के ही सीधे सीधे पर्यायवाची। यानी टोटल 10-10 करके आएंगे सारे के सारे, 60 अंक में ये आएंगे। और मान के चलिए कि अगर आपने हिंदी को, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर और नोटिस कर लो आप लोग कि आरओ परीक्षा में, एआरओ परीक्षा में व्याकरण नहीं पूछ रहा है। ठीक है, व्याकरण इस परीक्षा में नहीं आएगा, केवल और केवल शब्दकोश आएगा, शब्दकोश केवल और केवल। अब इसको पढ़ना आसान भी है और आप मुश्किल बनाना चाहें तो बहुत मुश्किल भी है। ठीक है, आसान कैसे है, इसको हम कैसे तैयार करें? देखो आसान ऐसी है कि आप आज से पढ़ना शुरू करो भाई। आप ये सोचो कि पेपर से 20 दिन पहले, 1 महीना पहले आप अपना शब्दकोश बढ़िया कर लो भैया, तो ये हथेली पे सरसों जमाने जैसा है, नहीं होगा, किसी भी स्थिति में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि शब्दकोश है, भाषा कोई भी हो, चाहे हिंदी हो या अंग्रेजी हो, अगर आपका शब्दकोश बेहतर नहीं है तो वो अच्छे से तैयार नहीं हो सकती। ये बात गांठ बांध लीजिए। और उसको तैयार करने का तरीका क्या है? उसको तैयार करने का तरीका है कि आप धीरे धीरे पढ़ना शुरू करिए। शब्दकोश को आज से पढ़िए, पेपर नोटिफिकेशन आएगा उसको छोड़ दीजिए, हिंदी अभी से पढ़ना शुरू करिए। अरे भाई हिंदी बोलते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी लिखते हैं और हिंदी में ही दिक्कत, ये तो कितने शर्म की बात है यार। अभी 10 तारीख को जो है अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है अभी गया है, तो ये तो हमें बिल्कुल आनी चाहिए। इसको अभी से पढ़ना शुरू करिए, अच्छे से पढ़ना शुरू करिए। पेपर तक मान के चलिए आपके पास शब्दकोश बहुत अच्छा हो चुका होगा और आप इसमें 60 में से, मैं बता रहा हूँ, कम से कम नहीं तो 55 अंक बड़े आसानी से ले आएंगे। मैंने खुद ये जब परीक्षा दिया था, जब मैंने इसका प्री दिया था, उस समय मेरे हिंदी में 60 में से 59 सही थे। ठीक, तो जब मैं ला सकता हूँ, मेरे जैसा औसत विद्यार्थी ला सकता है, तो आप तो बहुत होशियार हैं, आप जरूर 60 में से 59 अंक, या हम कहें 60 में से 60 अंक ला सकते हैं। क्यों? इसमें से 60 में से 60 या 60 में से 55 या 59 अंक लाना क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है साथियों कि जितनी मेहनत आप हिंदी में कर लोगे, जितने ज़्यादा अंक आप हिंदी में ले आओगे 60 में से, उतनी कम मेहनत जीएस में करनी पड़ेगी। जीएस में नंबर खींचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कुछ भी पूछ सकता है। कोई आड़ा टेढ़ा डांस पूछ लिया आपसे मणिपुर का, नागालैंड का, तो आपसे वो होना नहीं है सवाल। लेकिन हिंदी ऐसी है कि इसमें से अंक पूरे में से पूरे लाए जा सकते हैं। इसमें अंक पूरे आ गए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जीएस में मेहनत कब करनी पड़ेगी। बात समझ रहे होंगे आप लोग, है ना। तो ये मैंने यहाँ पर बात की पूरे के पूरे प्री के सिलेबस की, ठीक है ना। आगे है देखिए इसके मेंस का सिलेबस। ठीक, तो मेंस के सिलेबस के लिए मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगा, यहाँ हमने केवल प्री के सिलेबस की बात करी है। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके मेंस को लेकर भी सिलेबस की वीडियो बनाऊंगा कि इसका मेंस का सिलेबस क्या है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार इसकी तैयारी कैसे करी जाए। तो देखो स्टैंडर्ड किताबें आती हैं, आप उनको फॉलो करिए। सबसे पहले तो अगर आपने बिल्कुल जीएस नहीं पढ़ा है तो एनसीईआरटी पकड़ लो, एनसीईआरटी पढ़नी ही पड़ेगी। अगर आपने जीएस का बेस आपका तैयार नहीं है तो, यानी अगर आपका जीएस बढ़िया है तो आपको आसानी होगी इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में, क्योंकि जीएस तो आना ही है ना। जीएस को कैसे तैयार करना है, तो देखो जीएस के लिए आप पढ़ो क्या, जीएस के लिए आप पढ़ो सबसे पहले बेसिक चीज़ एनसीईआरटी आप पढ़ लो। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, अगर आप जीएस शुरू से पढ़ना चाहते हो तो,
लेकिन आपको थोड़ी बहुत जीएस आती है तो फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स ले सकते हैं। जैसे ज्योग्राफी के लिए आप जो है आप ले सकते हैं, आप चाहे तो ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग ले लो, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए बहुत शानदार पुस्तक है। हालांकि वो जो है यूपीएससी और यूपीपीएससी लेवल की है, लेकिन चूंकि मैंने बताया कि यहाँ पर भी बहुत अच्छे सवाल पेपर में आते हैं तो ऐसे में फिर आपको ये पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है ना। या फिर ज्योग्राफी के लिए आप केवल ज़्यादा कुछ नहीं तो 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़ लो, ये बहुत बढ़िया रहेगी ज्योग्राफी के लिए अगर आप फिजिकल ज्योग्राफी तैयार करना चाहते हो तो स्पेशली, ठीक है। बात करें हम संविधान की, तो संविधान के लिए आप लक्ष्मीकांत पढ़ सके तो लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए, लक्ष्मीकांत पढ़ना नहीं चाहते तो फिर ऐसे में जो है आप जो है एनसीईआरटी को ही फॉलो कर लो, इसी से काम हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम आगे बढ़ें तो फिर देखो फिर आता है क्या, फिर आता है आपका इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का 90% हिस्सा कवर हो जाता है करंट अफेयर्स से, ठीक है, तो वहाँ से आप उसको पढ़ लीजिए। आगे क्या बचा, आगे बचा आपका इतिहास, तो इतिहास के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। लेकिन ये सब जो चीज़ें हैं साथियों, इनको पढ़ने में समय लगेगा, प्लस इनमें इतनी जानकारी है कि हमें ये भी समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम इसको क्या पढ़ें और क्या छोड़ें। तो अगर आप चाहें तो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड कोर्स भी ले सकते हैं, वहाँ पर बिल्कुल आपको आरओ यारओ परीक्षा की तैयारी कराते हुए प्रिसाइज नोट्स आपको दिए जाएंगे, बस उतना ही पढ़ना है। उतना पढ़ लिया मतलब मान के चलिए पेपर में वो आएगा ही आएगा, हिंदी में तो शायद ही कोई ऐसा एक आध सवाल हो जो आपके पेपर से बाहर चला जाए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो नोट्स हैं हिंदी के एकदम टू द पॉइंट है, 60 में से 60 सवाल फंसेंगे मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक आध सवाल टेढ़ा मेढ़ा कहीं से आ गया, एक आध बहुत ही उल्टा सीधा आयोग ने पूछ लिया तो वो तो सबके लिए कठिन होगा, आपके लिए स्पेशल थोड़ी होगा। रही बात जीएस की, तो जीएस का जितना भी मटेरियल हम आपको देंगे वो एकदम टू द पॉइंट होगा, सब कुछ आपको उसमें मिल जाएगा, ठीक है। यूपी स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, सारा का सारा हम आपको अपने पेड ग्रुप में जो है मिल जाएंगे। अब कुछ लोग यहाँ कहना शुरू करेंगे, अरे सर आप तो कोर्स बेचने लगे। अरे भैया अगर तुम गरीब हो, तुम्हें लग रहा है नहीं मैं बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मैं पेड कोर्स का पैसा नहीं दे सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो हम पीडीएफ देते हैं पेड कोर्स वालों को, उन्हीं पीडीएफ पे हम अपनी वीडियोस भी बनाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आप गरीब हो, आपके पास एक भी रुपया नहीं है लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है, तो भैया मेहनत करो, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर जाइए, वहाँ पर आरओ यारओ की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको जाकर के फॉलो कर लो। वीडियोस थोड़ा लंबे लंबे हैं लेकिन देखिए अगर आपको अधिकारी बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा। अब पैसा भी खर्चा ना हो, मैं मेहनत भी नहीं करूँगा, है ना, वीडियोस भी 5-5 मिनट के मिल जाएँ, तो भैया ऐसे होने वाला नहीं है। आप ऐसे अंतिम व्यक्ति नहीं है जो नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं, बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, तो मेहनत तो कहीं ना कहीं तो करनी पड़ेगी। आपको लगता है आपके पास पैसा नहीं है, आप पेड ग्रुप में नहीं आ सकते, कोई दिक्कत नहीं है, फ्री चैनल को फॉलो करिए, उसमें सारे वीडियोज़ हैं। उतना भी पढ़ लोगे ना तो आरओ बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन देखिए पढ़ना तो पड़ेगा, इसका और कोई तरीका नहीं है, ठीक। तो बस तैयारी में जुट जाइए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आरओ यारओ परीक्षा का जो मेंस का सिलेबस होता है वो कैसा होता है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कोई नई जानकारी मिली होगी, तो ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।